दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा जो तरीका अभी तक YouTube कम्युनिटी में किसी ने नहीं बताया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई यहाँ पर फेक वीडियो नहीं है, एकदम रियलिटी वीडियो है। YouTube का एक ऐसा डार्क साइड आपको बताने वाला हूँ जिसे दोस्तों अगर आप उसको पहचान लेते हैं, अगर आप उसको जान लेते हैं तो आपके चैनल पर 100% व्यू जाएगा और बहुत ही अच्छा खासा व्यू जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर बगल साइड में देख सकते हैं मेरा एक वीडियो है जिसपे दोस्तों यहाँ पर 23,779 व्यूज गया है। और यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर आपको क्या दिखाते हैं, बस वो क्या करते हैं अपने कोई भी वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद एक ग्राफ है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्राफ, यही ग्राफ को दिखाते हैं और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है तो यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं लगाया था और जैसे ही यहाँ पर ट्रिक लगा दिया ये मेरा ग्राफ ऊपर की साइड चला गया। ये सब आपको बड़े बड़े यूट्यूबर बताते हैं ना, लेकिन वो सब यूट्यूबर आपको मूर्ख बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं लगाते हैं और वो क्या करते हैं और कैसे उनका जो ग्राफ है ना वो एक बाइक यहाँ पर ऊपर चला जाता है, कोई भी यहाँ पर ट्रिक व्रिक नहीं लगाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि ये मैंने ट्रिक लगाया तो यहाँ पर चला गया, कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं लगाते हैं। बस आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका वो अपने चैनल पर यूज करते हैं और उस तरीके को मैंने भी इस वीडियो पर यूज किया है, इस चैनल पर यूज किया है, जिसके कारण यहाँ पर मेरे वीडियो पर इस वीडियो पर पहले से यहाँ पर देख सकते हैं सीधा ग्राफ यहाँ पर थोड़ा डाउन था और जैसे मैं उस तरीकों को लगा लिया तो यहाँ पर ऊपर चला गया। कैसे यहाँ पर बताता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो को कुछ एनालिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो से यहाँ पर कितना है जी 23,779 व्यूज है। यहाँ पर बात कर ले इसकी वॉच टाइम पे, तो एक वीडियो से यहाँ पर 555 वॉच टाइम मिला हुआ है, मतलब इस वीडियो को लोग 555 घंटा देखे हुए हैं। यहाँ पर बात कर ले सब्सक्राइबर की, तो सिर्फ इस वीडियो से 76 सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आखिर, जी हाँ दोस्तों, आखिर जो यूट्यूब पर ऐसे कौन से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो इस तरीकों को इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण उनके वीडियो पर अच्छा खासा व्यू चला जाता है। तो सबसे पहले उस तरीकों को यहाँ पर बताता हूँ। आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर रीच का, आप यहाँ पर बगल साइड में देख सकते हैं, इस रीच वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस रीच वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है इम्प्रेशन, देख सकते हैं। अब दोस्तों इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस वीडियो को मतलब 1,48,863 लोगों के पास यूट्यूब ने भेजा है। दोस्तों इस पे आपको ध्यान देना होता है, दोस्तों जिस दिन आप इम्प्रेशन पर ध्यान दे दीजिएगा उसके बाद आपको वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देख सकते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो टॉप यहाँ पर सिग्नेस है ना वो दोस्तों यूट्यूब सर्च से आया हुआ है मेरे वीडियो, मतलब मेरे चैनल पर जो व्यूज आया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आया हुआ है, यहाँ पर यूट्यूब सर्च से, मतलब यहाँ पर जो इम्प्रेशन यूट्यूब ने भेजा है ना वो यहाँ पर 1,05,000 लोग पास यहाँ पर लोग सर्च किए तो उन लोगों के पास भेजा हुआ है। अब इसको हम यहाँ पर साइड में रखते हैं और आपको खुद पता चल जाएगी कि आपको इम्प्रेशन को अपने चैनल पर इम्प्रेशन को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने चैनल पर इम्प्रेशन बढ़ा लीजिएगा तो आपके वीडियो पर ऑटोमेटिक व्यू जाएगा। वो एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके चैनल पर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके चैनल के पूरे एनालिटिक्स में यहाँ पर इम्प्रेशन बढ़ेगा तो आपके पूरे वीडियो पर व्यूज बढ़ेगा। अगर आपके चैनल के इम्प्रेशन ही डाउन रहेगा तो आपके पूरे वीडियो का ही यहाँ पर व्यूज डाउन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आया है कंटेंट सजेस्टेड दिस वीडियो, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सा वीडियो आया हुआ है। अब इसी में दोस्तों आपको वो तरीका लगा लेना है जिससे दोस्तों आपके वीडियो पर व्यूज आने लगेगा। वो कौन सा तरीका है तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वो सब वीडियो आ जाएगा ना जिसके वीडियो के नीचे दोस्तों हमारा वीडियो आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हाउ टू डाउनलोड सलर मूवी, इस वीडियो को मैं कौन सा टॉपिक पर बनाया हूँ, सलर मूवी डाउनलोड कैसे करें, मतलब उस वीडियो को यहाँ पर लोग क्या किए हैं, यहाँ पर लोगों के वीडियो के नीचे यहाँ पर सजेस्टेड किया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो के नीचे से 2100 व्यूज आया है मेरे चैनल पर सिर्फ इस वीडियो से, यहाँ पर इस वीडियो से यहाँ पर 909 व्यूज आया, यहाँ पर 148 व्यूज आया है सिर्फ सजेस्टेड से, मतलब हर ऐसे वीडियो के नीचे से यहाँ पर देख सकते हैं एक वीडियो के नीचे मतलब 21 से यहाँ पर व्यूज आया हुआ है। अब दोस्तों जिस दिन आप इसको समझ गए ना और जिस दिन दोस्तों आपके वीडियो सजेस्टेड में आने लगेगा तब से दोस्तों आपके चैनल पर व्यूज की कमी नहीं होगी। और वो कैसे करना है, आपको दूसरे किसी के वीडियो के नीचे आपको वीडियो कैसे लाना है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बहुत सारा ऐसे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इस सभी वीडियो को आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी वीडियो को यूज कीजिएगा
तो आपके चैनल पर व्यूज नहीं जाएगा। यहाँ पर शुरुआत में आपको देखना है कि कौन सा, जी हाँ दोस्तों, मतलब कौन सा यहाँ पर वीडियो के नीचे हमारा ज्यादा यहाँ पर वीडियो आया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट है हाउ टू डाउनलोड सोलर मूवी, यहाँ पर कितना व्यूज है जी, तो यहाँ पर 2100 व्यूज है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 909 व्यूज है। तो आपको यहाँ पर चेकअप करना है कि कौन सा वीडियो के नीचे हमारे वीडियो पर यहाँ पर ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर 2100 आया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो पर हम क्लिक करते हैं। ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। अगर हम इस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो हम सीधे कहाँ पर चले जाएंगे जी, इसके वीडियो पर। अब इसके वीडियो पर हम जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो भी होगा ना, तो मेरे चैनल से यहाँ पर ज्यादा व्यूज आया हुआ है। जैसे कि मेरे चैनल पर 23,000 व्यूज था और इसके चैनल पर यहाँ पर कितना था जी, 4,16,000। तो हम क्या करते हैं, और एक और बात देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर ज्यादा है, यहाँ पर मात्र 2,000 सब्सक्राइबर और व्यूज 4,06,000। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली सा आपके सामने एक दिख रहा होगा शेयर का बटन, आप यहां पर देख सकते हैं शेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपके चैनल पर व्यूज कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको पता है कहाँ चले जाना है, आपको चले जाना है सिंपली सा जी यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर में। तो चलिए हम अपने गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों जो लिंक यहाँ पर कॉपी किया है ना, उसको सिंपली सा इस पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे और यहाँ से गो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर उनका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पर वीडियो मैंने जिस वीडियो का लिंक है कॉपी किया उसका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली सा क्या करना है, इस टाइटल को दोस्तों यहाँ से क्लिक करके इसको ऐसे कॉपी कर देना है, और दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कॉपी का ऑप्शन, तो आपको कॉपी कर यहाँ पर बैक चले जाना है। और बैक जाने के बाद दोस्तों सिंपली सा कहाँ जाना है, अपने YT स्टूडियो पर। और अपने YT स्टूडियो पर जाने के बाद दोस्तों जो भी वीडियो में आया है ना, मतलब इस वीडियो के नीचे आपका वीडियो सजेस्टेड कर रहा है, उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको उसी वीडियो में इसका जो टाइटल आप कॉपी किया है ना, उसमें आपको लगा देना है, जिससे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। वो आपको कैसे लगाना है, तो यहाँ पर बगल साइड में देख सकते हैं, हम सबसे पहले उस वीडियो को यहाँ से ओपन होने देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको सिंपली सा उस टाइटल को कॉपी कर आपको चले जाना है अपने यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पर उसी वीडियो में चले जाना है जिस वीडियो के नीचे आपका ये वीडियो आ रहा है। तो आपको सिंपली सा इस पे पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आप पुराने टाइटल लगाए हैं ना, इस पे ऐड किए हैं, उसको सिंपली सा क्या करना है, तो उसको यहाँ से कट कर देना है, और जो आप यहाँ पर न्यू टाइटल कॉपी किए हैं दूसरे किसी का, उसको आपको यहाँ से टाइटल में लगा देना है। और सिर्फ टाइटल में लगाने से काम नहीं चलेगा, उसी टाइटल को आपको जो डिस्क्रिप्शन में पहले डाले हुए हैं ना, इसको आपको सिंपली सा कट कर देना है यहाँ से, और जो आप न्यू टाइटल को यहाँ से कॉपी किए हैं उसको यहाँ से क्या करना है जी, यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। अब आपको सिंपली सा क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आपको सेव कर देना है। अब चलिए हम यहाँ से सेव कर देते हैं, और दोस्तों सेव करने के बाद आप 2-4 घंटा में देखिएगा ना, तो आपके वीडियो पर दोस्तों व्यूज का बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा 100% चैलेंज है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।